स्वागत दोस्तों, आज की वीडियो में इस तरह दोस्तों ब्लड मोटर का स्टार्ट है। दोस्तों आज हम इसकी बाइंडिंग करना आपको बताएंगे, दोस्तों बाइंडिंग किस तरह करी जाती है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देना, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अभी कर देना, जिसकी आप लोग बाद में भूल जाते हो। एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। दोस्तों आप जो बीच में दोस्तों ये देख रहे हो दोस्तों लगे हुए छोटे छोटे स्पॉट, वो दोस्तों हमारे 24/7 नंबर पेपर हमने पहले से इसमें इंस्टॉल कर लिया। दोस्तों मैं इसकी डाटा की बात करने वाला हूँ। दोस्तों इसमें हम डाटा यूज करने वाले हैं एमोनियम वायर रनिंग में। एनमोनियम वायर रनिंग कॉइल जो हमारी इसकी होने वाली है दोस्तों, हमारी लंबाई इसकी रहेगी हमारी 30 इंची, और दोस्तों इसमें टन डालने वाले हैं 240। ठीक है दोस्तों, आप फिर से एक बार ध्यान से सुनना दोस्तों। जो हमारी दोस्तों इसमें रनिंग कॉइल रहेगी और टन इसके रहेंगे 240, और इसकी जो बीच वाला गोला होगा वो दोस्तों हमारा 30 इंची होगा। स्टार्टिंग कॉइल हमारी दोस्तों इसकी रहेगी 29 इंची, और टन रहेंगे हमारे 260 टन। ठीक है दोस्तों, 29 इंची 260 टन। दोस्तों हम इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारी इसकी मोटाई है वो दोस्तों इसकी मोटाई हमारी है 1 इंची। अगर दोस्तों आपके पास 1 इंची का स्टार्टर है तो आपका इसमें डाटा यही सेम डालेगा। अगर आप सेम डाटा डालोगे तो आपकी स्पीड 1 नंबर आएगी, और वरना अगर आप थोड़ा 19-20 डालो तो आपकी स्पीड वहां पे कम आएगी। दोस्तों हम इसमें वायर की बात करें, दोस्तों हमें वायर यूज करने वाले हैं। जो दोस्तों हमारा इसमें रनिंग में हम दोस्तों वायर यूज करेंगे वो दोस्तों हमारा रहेगा 32 इंची, और जो हम इसमें स्टार्टिंग में दोस्तों हमें वायर यूज करेंगे वो हमारा रहेगा दोस्तों 34 इंची। आप दोस्तों दोनों वायर देखो दोस्तों, जो हमारा 34 नंबर वायर है वो दोस्तों हमारा थोड़ा पतला होता है 34 नंबर, ठीक है दोस्तों, और 32 नंबर थोड़ा हमारा मोटा होता है। और आप लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको बहुत कुछ मिस कर दोगे दोस्तों। आप लोग स्पीड भी आपको भूल सकते हो दोस्तों, और आपको दोस्तों जो इनर और जिनर दोस्तों वायर निकलते हैं वो भी दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं मिस कर दोगे। इसी दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है दोस्तों। आप जो रनिंग की कॉइल जो देख रहे हो दोस्तों, ये कॉइल हमारी दोस्तों 32 नंबर वायर की है दोस्तों, 240 टन पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी जो दोस्तों लंबाई है, जो उसकी दोस्तों गुलाई है वो हमारी दोस्तों 30 इंची है। अब दोस्तों हम इसे इसमें असेंबल करने वाले दोस्तों, ये हमारी रनिंग कॉइल है दोस्तों। अब इसे हम किस तरह से इसमें असेंबल करते हैं वो हम आपको इसमें बता देते हैं दोस्तों। इसे आप लोग बिल्कुल पूरा ध्यान से देखना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमको यहाँ पे 24 स्लॉट मिलते हैं दोस्तों, आपको इसे बीच में 6 स्लॉट छोड़ देने होते हैं। एक जैसे हम इस तरह इसमें कॉइल डालना है दोस्तों, वैसे कॉइल तो हम बहुत तेजी से डाल सकते हैं, पर हम दोस्तों आपको समझा के डालेंगे। जैसे कि हम इस कॉइल को इस तरह से लेंगे, पहले हम दोस्तों हम एक स्लॉट में, हम किसी भी स्लॉट में इस तरह से हम डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पर इस तरह से असेंबल कर लेंगे, इस तरह से हमने कर दिया। अब हम ये दोस्तों हमको इस तरह से इसमें लगा देना है, ये हमने यहाँ पर लगा दे। अब दोस्तों हमको यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ से आप स्लॉट गिनना 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप स्लॉट गिनोगे दोस्तों 6 तक। दोस्तों आपको 6 स्लॉट यहाँ पर इस तरह से छोड़ देने बीच में, 1 2 3 4 5 6। जैसे मैंने 6 छोड़ दी, आपको 6 छोड़ के 7वें वाले पर डालना है, 1 से 7 ऐसे आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर डाले, इस तरह से आपको हमें वायर डाल देना है। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया दोस्तों, अब हम इसके पेपर है वो दोस्तों हम यहाँ पर भी लगा देंगे। ये दोस्तों हमने लगा दी, अब दोस्तों कॉइल को इस तरह से खींच लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर खींचा, और पीछे की साइड पर हमारे दोस्तों जो दो वायर है वो दोस्तों आपको इस तरह रखना है, और आपको उसे ऐसे सेट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब दोस्तों हमको ये यहाँ पर लेना है, ये कॉइल लेना है दोस्तों, इस तरह से आपको पकड़ना है, और इस तरह से मोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, आपको उसको इस तरह से लेके, इस तरह से उंगली से खींच के आपको उसको यहाँ पर इसे मोड़ देना है, इस तरह से। आप लोग दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो, जिससे कि मैं इस तरह वीडियो लेके आता रहता हूँ। ये दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरह से जैसे हमने सेट कराया, तो लास्ट का रह गया इसको दोस्तों, एक ही राउंड में आपको इसे सारा ही अंदर डाल देना है। एक ही राउंड में जैसे हम यहाँ से लेंगे, इस तरह से हमको इसे सारा ही अंदर की सेट पे हम इस तरह से डाल देंगे। जैसे हम दोस्तों यहाँ से इसे पूरा ही लेंगे, और अंदर की साइड पे हम इस तरह से डाल देते हैं। अब दोस्तों हम एक दोस्तों पेपर शीट लगा देंगे यहाँ पर, जिससे कोई बाद में टचिंग ना हो, हमारा यहाँ हो गया। अब दोस्तों हम इस वाली कॉइल को भी हम इधर ही असेंबल कर देंगे। ये दोस्तों हमारी कॉइल यहाँ पर हमारी हो गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पर पूरी हमारी कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम ऐसे सीधा कर देंगे। अब दोस्तों हम इसकी दोस्तों दूसरी वाली हम कॉइल को हम इसमें लगाने वाले हैं। दोस्तों दूसरी कॉइल लगाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपको वायर है जो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके उल्टे साइड पे अगर आपके वायर है, तो आपको दोस्तों उल्टे साइड पे ही आपको वायर रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारी कॉइल के दोस्तों दोनों वायर अलग है, इसमें दोस्तों इनर जिनर तो कोई हमारा लेन देना भी नहीं है। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा ये कैसे कर जाते हैं कनेक्शन,
तो दोस्तों अभी हम आपको इसमें बात बताती है, अभी हम इसकी आपको वाइंडिंग करना आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। बीच के हमारे दोस्तों 6 स्लॉट छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्वायल डाल लेना, ठीक है दोस्तों। क्वायल डालने के बाद आपको यहाँ पे पेपर आपको लगा देना है। पेपर जैसे ही आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपकी जैसे कि हमारी सारी दुविधा खत्म हो जाएगी, जैसे कि ये उलझना उलझना सब खत्म हो जाता है पेपर पहले से ही लगाने से। जैसे हमने यहाँ पेपर लगा लिया, हमारी सारी उलझन खत्म हो गई। अब दोस्तों हम सेकंड वाले पे भी हम यहाँ पर पेपर लगा लेंगे, जैसे ये वाले हमने यहाँ पर हम वैसे हमने यहाँ पर भी पेपर लगा लिया, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों हमारे जो उसके वायर है वो दोस्तों आपको पीछे की साइड पे ही रखना है, वो वह वायर हमारे मेन होते हैं। अब आपको जैसे हमने पेपर लगाने के बाद आप अगर सिंपली जैसे इस तरह से खींचोगे तो आपका दोस्तों आपके क्वाइलें खिंच जाएगी इस तरह से। आप जैसे हमने यहाँ पर खींची, ये क्वाइल हमारी खिंच गई, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारी खींचने पर क्वाइल हमारी पूरी ही खिंच जाएगी। इसे हम थोड़ा सा पीछे की साइड पर पलट देते हैं। आपको इस तरह से हाथ डालना है और इस तरह से आपको इस तरह से मोड़ लेना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हाथ डालने के बाद आपको इस तरह से क्वाइल मोड़ना है। सेम वही प्रोसेसर है जो हमारी, ये हम यहाँ पर भी हम इसे असेंबल कर देंगे। अभी दोस्तों हम सेकंड वाली क्वाइल को भी हम यहाँ पर पूरा बैठा देते हैं। ये हमारी दोनों ही क्वाइल यहाँ पर बैठ गई। अब दोस्तों हमारी तीसरी वाली क्वाइल है, हम इसे इस तरह से जैसे मोड़ेंगे और उसे हम इसे भी सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसे भी हमें सेट, जैसे हमें इस तरह से मोड़ के हम इसे भी इसे डाल देंगे। हम पेपर सीट हम दोनों में लाएंगे दोस्तों। आपको दोस्तों याद रखना है, दो दो सूत आपके दोनों साइड पे आपका पेपर निकला रहना चाहिए बाहर पे। अगर आपका नहीं निकलेगा तो आपको आपकी मोटर करंट मार सकती है, ठीक है दोस्तों। आपको इस चीज का भी ध्यान देना है, वो पेपर लगाना ही जरूरी नहीं होता है, पेपर के साथ साथ उसे आपको थोड़ा सा हल्का हल्का बाहर भी रहना भी जरूरी है, जिससे कि आपकी क्वाइल दिक्कत ना करे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से ये वाली क्वाइल ले लेनी है और आपको यहाँ पर हमें इसे हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा टेप है ना नीचे की साइड पे, ये साला कुछ ज्यादा ही खिसक रहा है, उससे को हमारा कोई फर्क नहीं है। ये भी अपना सीट लगा देती है। ये हमारी यहाँ पर भी कॉइल हमारी पूरी सेट हो गई। आपको उसको इस तरह से खींच देना है इसे कॉइल को, जैसे हमने यहाँ पर खींच दी। ये हमारी दोनों आप देखते हो दोस्तों, दोनों हमारी बनके सेट हो गई है। स्टार्टिंग कॉइल हम इसमें लगाने वाले हैं दोस्तों। ये स्टार्टिंग कॉइल में जो हमने इस पर वायर रखे हो दोस्तों, हमारे जो इसके वायर है वो दोस्तों हमारे 260 है, दोस्तों की लंबाई वो दोस्तों हमारी 29 इंची। अब इसे हमें सेट किस तरह करना है तो वो मैं आपको बता दूँ। जो आपके भर हुए वो आपको इसमें छोड़ देना है, आपको 1 से 7 इसमें डालना है। भाई सेम प्रोसेस है जो हमारा इसमें था, जो हमारा इसमें था वही हमारा सेम इसमें है, ठीक है दोस्तों। कोई साहब इसमें हमारा चेंजिंग नहीं है, सेम वैसा ही है। आपको उस तरह से क्वाइल लेना है और आपको यहाँ पर सेट कर देना है इसे, मतलब आपको पेपर लगाता रहना है जैसे कि आपकी क्वाइल में कोई अर्थिंग वगैरह टच वगैरह ना हो जाए।
जैसा कि दोस्तों आप हमारे यहाँ पर बाइंडिंग दे दोस्तों, हमने नीचे की हमने सारी सिलाई कर ली दोस्तों, ऊपर वाली हमारी सिलाई करनी है। उससे पहले मैं आपको ऐसा बता दूं, जैसे कि दोस्तों हमारे इसमें जो जैसे कि हमारे इसमें स्टार्टिंग कॉइल के जैसे कि दो वायर ये हैं, दो वायर हमारी ये वाली सेकंड वाली कॉइल के दोस्तों। ये तो ये वाला क्या होता है, जैसे हमारा दोस्तों राइट है तो दोस्तों राइट वाला वायर हमारा राइट में जाएगा, लेफ्ट वाला वायर हमारा लेफ्ट में जाएगा। जैसे हमने ये वाली हमने कॉइल का हमें राइट वायर है, ठीक है दोस्तों, इस राइट का वायर और इस वाली कॉइल का हमारा ये वाला राइट है। तो दोस्तों राइट राइट हमारे दोनों आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरह से जुड़ जाएंगे। और दोस्तों इस वाली कॉइल का है दोस्तों, इस वाली का राइट ये है, इस वाली का राइट ये है, तो दोस्तों ये वाले हमारे आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और जो हमारे इसमें चार निकलेंगे, जैसे एक जे हमारा निकला और एक ये वाला, ठीक है दोस्तों, और ये जैसे एक जे और एक जे निकले, और दोस्तों दो हमारे ये निकले, ठीक है दोस्तों, ये दोनों हमारे मेन होगा, ये हमारे इसमें जुड़ जाएंगे, ये हमारे इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लेफ्ट लेफ्ट वाला वायर लगाओ तो दोस्तों लेफ्ट लेफ्ट रखना, और दोस्तों राइट वाला तो राइट राइट रखना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारे इसके इनर और जिनर वायर की हमारे से पहचान होती है। ये दोस्तों हमारी सारी कंप्लीट ही यहाँ पर हमारी बाइंडिंग वगैरह हमारी यहाँ पर हो गई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों जो उसकी हमारी जो हमने चार वायर जो हमारे जो निकले हैं वो दोस्तों हमारे इसके हो जाएंगे मेन वायर, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी जो कॉइल चेक है, कॉइल को चेक कर लेते हैं। आपको दोस्तों कॉइल को सीरीज पे इस तरह लेना है, जैसे कि हमारा दोस्तों यहाँ पर तेज बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हो कितने तेज हमारा बल्ब यहाँ पर ग्लो कर रहा है। अब आप दोस्तों देखना दोस्तों, हम इसे यहाँ पर लाएंगे दोस्तों, ये हमारी जो बल्ब की जो जलने का जो फ्लामेंट है वो दोस्तों थोड़ा हमारा हल्का जल रहा है, इसका हमारी हमारी कॉइल यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी यहाँ पर अगर ज़्यादा तेज़ी से बल्ब जलेगा तो दोस्तों ये हमारी आपकी मोटर यहाँ पर ज़्यादा एम्पीयर लेगी, ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। हमारे यहाँ पर फ्लामेंट थोड़ा हल्का जल गया, ऐसे अब देख सकते हो दोस्तों ज़्यादा तेज, अब दोस्तों हल्के जल गया। अब दोस्तों जो होगी स्टार्टिंग और जो होगी हमारी रनिंग कॉइल, ठीक है दोस्तों। जो हमारी दोस्तों इसमें रनिंग होती है दोस्तों, उसका जो दोस्तों हमारा फ्लामेंट होता है वो दोस्तों थोड़ा कम जलता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग कॉइल का हमारा फ्लामेंट थोड़ा ज़्यादा जलता है, उसका गेज थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट मतलब बाय बाय दोस्तों, स्त्री वीडियो लेके आता रहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया को दोस्तों, क्योंकि अभी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन मेरा चैनल चल रहा है दोस्तों, इसलिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आप लोग कुछ इससे सीख जाओगे और ये दोस्तों 100% वर्क करेगी, क्यों नहीं करेगी, कोई इतनी मेहनत मैंने इसमें करी है, कोई ऐसी व्यर्थ नहीं करी है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो बाय बाय दोस्तों।